हमारी सीजन को देखते हुए रुद्रपुर कोतवाली में व्यापारी और पुलिस प्रशासन ने बैठक की। बैठक में आगामी त्यौहार में बाजार की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिले की एसपी यातायात मनीषा जोशी, एसपी सिटी मनोज कतियाल के साथ रुद्रपुर सीओ सिटी अनुष्का बडोला, शहर कोतवाल विक्रम सिंह राठौर मौजूद रहे। इस दौरान रुद्रपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष के साथ ही तमाम व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। एसपी यातायात मनीष जोशी ने बताया कि इस बार शहर में बाजार पर पुलिस प्रशासन ड्रोन से नजर रखेगा। जहां भी यातायात व्यवस्था खराब होगी, तत्काल वहां पर पुलिस टीम कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही त्योहारों के चलते बाजार में वाहनों को एंट्री नहीं होगी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, आज बहुत ही अच्छे माहौल में हमारी रुद्रपुर में कोतवाली में बैठक हुई है और व्यापारियों की बैठक थी, जिसमें सारे व्यापारी क्षेत्र के लोग भी जुड़े हुए थे। इन लोगों ने करा भी है और बहुत अच्छी तरीके से बातचीत भी हो गई है कि ट्रैफिक कैसे बंद रहेगा, कैसे चलेगा भाई। टू व्हीलर लगातार आते रहेंगे, फोर व्हीलरों को बंद कर दिया जाएगा, बारह बंद कर दिया जाएगा और बंद हो, मतलब फोर व्हीलर अंदर नहीं आएंगे और ऐसी कांशूबर बाईपास रोड से वो अंदर की तरफ नहीं आएंगे। और पार्किंग व्यवस्था की व्यापार मंडल ने करवा दी, अब की बार हम लोग गांधी पार्क में करवा दी पार्किंग व्यवस्था। तो हम तो मैं तो आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि सब लोग, जितने लोग हैं जो कस्टमर बाहर से आ रहे हैं, वो पार्किंग गांधी पार्क की तरफ करें, गांधी पार्क में ले जाएँ, वहाँ बड़े खड़े, वहाँ पर गांधी पार्क बहुत खुली जगह पर है। ये जो आगामी त्यौहार का सीजन आ रहा है, इस सीजन के दृष्टिगत व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर बैठक की गई, उसमें जो भी यातायात प्लान है इससे उनको अवगत कराया गया, उनके भी कुछ सुझाव थे जिनको इस प्लान में हमने इनकॉर्पोरेट किया है। और साथ में सभी से अपील की गई कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु अगर उन्हें दिखती है तो तत्काल सूचित करें और स्वयं भी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। और इमरजेंसी सर्विस व्हीकल जो है उनको जाने आने के लिए रास्ता प्रॉपर बना रहेगा और साथ में बाकी भी जिनको सुरक्षा की दृष्टि से जो भी आवश्यक निर्देश हैं वो उनको दिए गए और फिलहाल सहमति इसमें बन गई है और जो